आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की है एक और ताज़ा खबर। झांसी के सीपरी बाजार में स्थित सब्जी मंडी विक्रेताओं को नगर निगम द्वारा हटाने को लेकर पिछले कई दिनों से गरीब सब्जी विक्रेताओं के मन में यह आशंका थी कि कहीं उनके हाथों से उनका रोजगार ना चला जाए। नगर निगम ने भी दो दिन का नोटिस सब्जी विक्रेताओं को दिया था, जिसकी अवधि आज 31 अगस्त को समाप्त होने पर वहां भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का अमला दुकानें हटवाने के लिए पहुंच गया था। लेकिन यहां विपक्ष के नेताओं ने सब्जी विक्रेताओं का साथ देते हुए प्रशासन के सामने सब्जी विक्रेताओं की मांगों को रखा और आखिर में प्रशासन को सब्जी विक्रेताओं की बात मानना पड़ी। आपको बताते चलें कि सब्जी विक्रेताओं की ओर से बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह शुरुआत से ही सब्जी विक्रेताओं की पैरवी कर रहे थे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, बुंदेलखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नईम मंसूरी समेत विपक्ष के और भी कई नेताओं के साथ नगर निगम झांसी में आज एक समझौता वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, मेयर रामतीर्थ सिंघल भी मौजूद थे, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिला अधिकारी आंद्रा वामसी, नगर आयुक्त अवनीश राय आदि मौजूद थे। समझौता वार्ता में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने सब्जी मंडी सीपरी झांसी के पटरी व्यापारियों का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछले 70 सालों से सब्जी मंडी सीपरी झांसी में पटरी दुकानदार अपनी दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उक्त सब्जी मंडी सीपरी बाजार झांसी के दुकानदार नगर निगम झांसी के किराएदार भी हैं और पटरी दुकानदार भी हैं। अब नगर निगम संपत्ति अधिकारी द्वारा 28 अगस्त को नोटिस दिया गया है कि दो दिन में सीपरी बाजार झांसी सब्जी मंडी को हटा लें, नहीं तो पुलिस के बल पर हटा दी जाएगी। ये अन्याय है, गरीब दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स में जगह मिलना चाहिए और जब तक कॉम्प्लेक्स ना बन जाए तब तक किसी स्थान पर इनको व्यापार करने की जगह दी जाए। पूर्व मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य ने भी मांग की कि किसी गरीब को उजाड़कर झांसी का विकास नहीं होना चाहिए, गरीब दुकानदारों को दूसरी जगह मिलनी चाहिए। जब तक इन दुकानदारों की व्यवस्था ना कर दी जाए तब तक इन्हें यहाँ से ना हटाया जाए। बैठक में सहमति बनी कि सन 2000 तक के किराएदारों को कॉम्प्लेक्स में जगह दी जाएगी, तब तक के लिए आर कन्या डिग्री कॉलेज के पीछे अब्दुल कलाम पार्क में व्यापार करने दिया जाएगा। इस पर सभी की सहमति बन गई। दुकानदारों को अपनी दुकान अब्दुल कलाम पार्क में शिफ्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नईम मंसूरी, हाजी रसूल राइन, ताहिर हुसैन, ओम प्रकाश भंडारी, मोहम्मद अख्तर, कल्लू कुशवाहा, शमसुद्दीन, सज्जू कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, बबलू, अशोक, असगर, राकेश कुशवाहा, विमला देवी, लक्ष्मी देवी, मूसा, राम प्यारी, मुस्तफ़ा, मोहम्मद आदिल, महेश कुशवाहा, नीरज, जावेद, महेंद्र कुशवाहा, विनय कुशवाहा, वफाती, श्रीमती कुंती, श्रीमती पिस्ता, नत्थू, जयसिंह परिहार, दामोदर बाबूलाल, अर्जुन, महेश, जमुना, इस्माइल, पार्वती देवी, सरनाम राजपूत, खेमचंद्र, श्रीमती राधिका, श्रीमती बिमला देवी, सलीम, रमजानी, नारायण दास, मोहम्मद जाकिर आदि सब्जी मंडी सीबरी बाजार झांसी के पटरी दुकानदार उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ ब्रजेश परिहार और प्रदीप की रिपोर्ट। आज सब्जी मंडी में जो अतिक्रमण नगर निगम द्वारा जो गरीबों की दुकानें हैं उन उस संबंध में क्या है? नहीं, सबसे पहले तो आपके प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हम करेक्ट कर रहे हैं कि ना तो गरीबों की दुकानें हटाई जा रही, चूंकि नगर निगम ने स्मार्ट सिटी में उस क्षेत्र को लिया है, वहाँ पर हम लोगों ने एक सब्जी मंडी की स्थापना पूर्व में हुई थी जिसके लोग एलओटी हैं, तो एलओटी को अधिकार नहीं है कि सब टेनेंट रख पाए वो। यदि हमने मूल रूप से नगर पालिका एक संस्था है उसने यदि आपको आवंटित की थी तो आपको अधिकार, अब किराएदार को थोड़ी आगे किराए पे देने का अधिकार होता है। आज जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि जिनके पास भी जो लोग साक्ष्य के रूप में अपनी 2000
तक की भी रसीदें अगर ले आएंगे सन 2000 की, तो उनको हम लोग देने वाले हैं। तो हम हटा हटा किसी को नहीं रहे। गरीबों की छाती पे चढ़ के स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जा रहा। जो गरीब हैं, जिनके खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और वो कोरोना काल में भी जिन्होंने झांसी के लोगों की सेवा की, उन सब्जी वालों को भगाने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ़ भाई सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हमारे भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो सत्येंद्र पाल भाई ने जो बात रखी है वो बात होना चाहिए। अगर लोगों की लाशों पर ताजमहल बनाने का सपना प्रशासन देखता है तो वो हम पूरा नहीं होने देंगे। अगर स्मार्ट सिटी बनना है तो पहले इनके घरों में चूल्हा जले, इन्हें कोई स्थान दिया जाए, और जो अधिनियम बना था भारत सरकार में फेरी वाला, उस अधिनियम के अंतर्गत इनको हटा नहीं सकते। और अगर किसी तरह की गुंडागर्दी प्रशासन ने की तो जहाँ इन सब्जी वालों का पसीना गिरेगा, हम लोग खून बहाने के लिए थे। क्या मामला है भाई साहब? देखिए, 28 तारीख की शाम सीपरी बाजार सब्जी मंडी में एक नोटिस चस्पा किया गया, चिपका दिया गया कि 2 दिन में अपनी दुकानें खाली कर दें वरना पुलिस की बल से तोड़ दी जाएंगी। वो दुकानदार वहाँ 70 साल से बैठ के अपनी सब्जियाँ बेचते हैं, पुश्तैनी बाजार है। तो भारत सरकार ने कानून बनाया, पथ जीविका संरक्षण अधिनियम, वो कानून भी ये कहता है कि इस तरह ताकत के बल पे किसी को नहीं हटाया जाएगा। और जो बाजार 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं उन बाज़ारों को तो हटाया ही नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया, उसमें भी ये बात कही गई है। तो आखिर नगर निगम जो काम कर रही है वो पूरा अन्यायपूर्ण है, और जो गरीब दुकानदार वहाँ रहते हैं उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो बेचारे भूखों मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मांग है कि जो सरकार का कानून कहता है, भारत सरकार का कानून कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून कहता है कि किसी दुकानदार को नहीं हटाया जाएगा जो बाजार 50 साल से पुराने हैं, या दूसरा कानून ये कहता है किसी को हटाना भी होगा तो 1 महीने का नोटिस देंगे, ये कानून कह रहा, हम नहीं कह रहे, तो 2 महीने के 2 दिन के नोटिस पे कैसे हटा देंगे? आप उन्हें 1 महीने का नोटिस दीजिए, वो अपनी बात तो कहीं रख पाएं। आप ताकत के बल पर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अन्याय है। हम ये मांग लेके आए हैं उनके सामने कि अन्याय ना किया जाए, जो कानून कहता है, क्योंकि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो कानूनी काम उनका करना उनका फर्ज है कि कानून का पालन करें। तो हम बताने आए हैं कि उनको ना हटाया जाए, हटाया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम अपना प्रतिकार करेंगे, वो हमें मारेंगे तो हम रोएंगे तो चिल्लाएंगे। तो अब नगर आयुक्त महोदय ने हमें 11 बजे का टाइम दिया था मिलने का, तब से हम लगातार इंतजार कर रहे हैं और लगभग 1 बज गया है, लेकिन हमारी गरज है तो हम यहाँ आए हैं, और उनसे जैसा बात होती है, निर्णय होता है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हटाया ना जाए, इनको जगह दी जाए, वहाँ काम करने दिया जाए। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।